उत्तराखंड ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में चौलास्तान में पानी और खुराक की किल्लत और इसके खात्मे के हवाले से बैन अवी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की माहरीन ने शिरकत की। बैन अवी कॉन्फ्रेंस का इनका इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IWMI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFRI और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने मुश्तरका तौर पर किया। इन रोजा कॉन्फ्रेंस में IWMI के प्रोग्राम डायरेक्टर और स्ट्रेटजिक प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर स्टीफन योहलन ब्रॉक और IWMI के नुमाइंदा ब्राय पाकिस्तान और वस्ती एशिया डॉक्टर मोहसिन हफीज ने बतौर गेस्ट स्पीकर शिरकत की, जबकि मुकामी कौमी और बैन अवी NGOs और निजी सेक्टर के माहिरीन भी शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहिर का कहना था कि बैन अवी कॉन्फ्रेंस का मकसद पानी और खुराक जैसी बुनियादी एशियाई जरूरियत से मुतालिक दरपेश मसाइल के लिए हल तजावज करना है। उन्होंने कहा कि बैन अवी माहिरीन की मौजूदगी से हम जर्मनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। आज इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से चौलिस्तान के लिए पानी बचाओ मुहिम का आगाज करते हैं। IWMI के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान वस्ती एशिया डॉक्टर मोहसिन हफीज ने शुरका को पानी खुराक और माहौलियाती मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी।